नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राई स्पार्क हिंदी के एक नए वीडियो में। किया इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV किया EV6 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस कार को 59,95,000 रुपए एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत पर उतारा है। इस कार को कुल दो वेरिएंट्स GT लाइन और GT लाइन ऑल व्हील ड्राइव में उतारा गया है। इसके GT लाइन ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत 64,95,000 रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। कंपनी इस कार की बुकिंग पहले ही शुरू कर चुकी है और इस कार को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या चुनिंदा डीलरशिप से बुक कराया जा सकता है। पहले चरण में कंपनी इस कार के कुल 100 वेरिएंट्स ही बाजार में पेश करने वाली थी, लेकिन अब तक इसके 355 यूनिट्स बुक किए जा चुके हैं। ऐसे में कंपनी भारतीय बाजार के लिए इस संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही है। किया इंडिया ने EV6 की बुकिंग 3,00,000 रुपए की अग्रिम राशि के साथ शुरू की थी। इस कार को पूरे भारत में कुल 12 शहरों में 15 डीलरशिप्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी इस कार को भारत में CV रूट से लेकर आ रही है। नई किया EV6 इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो कंपनी के आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज का भी आधार बनेगा। किया EV6 के डिजाइन की बात करें तो इसमें स्लोपिंग रूफ, एंगुलर रियर विंडो, LED हेडलाइट्स, LED स्ट्रिप टेल लाइट और बड़ा रियर विंड स्क्रीन दिया गया है। EV6 को अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इसे 350 किलोवाट आवर चार्जर का उपयोग करके केवल 18 मिनट में 10-80% तक चार्ज किया जा सकता है। किया EV6 में टू वे चार्जिंग तकनीक भी दी गई है, जिसका इस्तेमाल करके कार के अन्य उपकरणों को भी चार्ज किया जा सकता है। भारत में EV6 को 77.4 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ उतारा गया है। कंपनी इस कार के साथ 22 किलोवाट का चार्जर स्टैंडर्ड तौर पर दे रही है। किया EV6 को रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में पेश किया गया है, जहां इसका रियर व्हील ड्राइव सिंगल मोटर से 226 BHP की अधिकतम पावर देता है। वहीं इसका ऑल व्हील ड्राइव चार मोटर्स के साथ 321 BHP की पावर प्रदान करता है। यह कार 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 5.2 सेकंड में ही हासिल कर लेती है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज होने पर इसका रियर व्हील ड्राइव वर्जन 528 किलोमीटर की अधिकतम रेंज प्रदान करेगा। वहीं इसका ऑल व्हील ड्राइव वर्जन 425 किलोमीटर की रेंज प्रदान करने वाला है। किया EV6 में कुल 3 ड्राइव मोड इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स दिए गए हैं। साथ ही यह कार रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से भी लैस है। किया EV6 का इंटीरियर बेहद खास है। इसके इंटीरियर में ड्राइवर स्क्रीन और इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए डुअल स्क्रीन सेटअप दिया गया है। कंपनी ने इस कार को कुल 5 कलर ऑप्शन में पेश किया है। इस कार में ब्लैक इंटीरियर के साथ 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। सुरक्षा फीचर्स के तौर पर नई किया EV6 में 8 एयरबैग्स, लेन फॉलो असिस्ट और किया कनेक्ट फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी इस कार की डिलीवरी सितंबर 2022 माह से शुरू करेगी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगले वीडियो में आप किस व्हीकल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। और हमारे चैनल ड्राइव स्पार्क हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।